ये है फर्स्ट लुक सफेद महल की, जो कि ये है बैर के अंदर। हमारे बैर के अंदर तीन महल हैं, सफेद महल, लाल महल और नीला महल। प्रताप सिंह के टाइम का बना हुआ, राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था। आड़ी बाड़ी में आड़ी बाड़ी। आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हैं? आड़ी बाड़ी। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक, नया ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं सफेद महल देखने के लिए। तो रिहान भाई, मैं और दो लड़की और हैं, उनको भी साथ में ले चलते हैं। तो रिहान भाई चलाएगा मोटरसाइकिल और हम बैठेंगे पीछे। तो हमारा तीसरा बंदा भी आ चुका है, इसका नाम है रविंदर। तो हम तीनों चलते हैं और एक बंदा और है, उसे भी साथ में ले चलते हैं। ये है हमारा चौथा बंदा और इसे ले चलेंगे साथ में। अभी नहा के आया बड़े स्टाइल में, तो फिर आ जाओ चारों चलते हैं। तो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं सफेद महल और हमारे दो लौंडे और हैं जो पीछे रह गए हैं, वो अभी आ रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो ये है सफेद महल की फर्स्ट लुक और यहाँ पर है वन औषधालय बे रेंज बयाना विभाग। नमस्ते अंकल जी। तो हम आ चुके हैं पूरे सफेद महल और आपको बताएंगे कि यहाँ कैसा है और कैसा नहीं है। हम आ चुके हैं सफेद महल और ये है देखो इसकी फर्स्ट लुक। और भाई साहब क्या हाल चाल। और ये है फर्स्ट लुक सफेद महल की, जो कि ये है बैर के अंदर और ये आता है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर आता है और इसे बोलते हैं हम सफेद महल। और इसकी लुकिंग देखो, वाह भाई क्या बात है। तो गाइस हम बताते हैं आपको यहाँ के लुकिंग, और ये काफी पुराना है और ये बैर के अंदर आता है। तो ये है इसका फ्रंट और ये हमें तो ये है इसकी मेन फर्स्ट लुक। और देखो भाई क्या सीन है यार, तुम देखते ही रह जाओगे। और इसे बोलते हैं हम सफेद महल, एकदम ऑसम लुकिंग है। और आपको इसके अंदर की स्टोरी बताएंगे, पहले आप इसका मेन फ्रंट देख लो। तो बताते हैं इसके अंदर की कुछ चीजें जो इसमें इम्पोर्टेंट है बाई गॉर्जियस एंड, और आपको बताते हैं कि यहाँ की मेन चीज क्या है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। पूछते हैं इसके बारे में कुछ पता हो तो भाई साहब, आपको महल के बारे में पता है कुछ? कुछ तो पता है पर कम पता होने का रही। क्या पता है इसके बारे में? बड़े बूढ़े जो गए हैं यहां में कर रहे हैं वे जो बेबी बना सी। अच्छा रानी बच्चे तो देख रहे तो पानी पानी भर रहे हो ऐसा केसर फेसर हो गई क्यारी बननी है मुझे देखा। अच्छा अच्छा ये इसलिए फेमस है। तो इसे बनाते टाइम इसे संगमरमर का उपयोग किया गया था, इसलिए सफेद महल बोलते हैं। और इसका चल रहा है अभी निर्माण और इसमें कुछ शीशे लगे हुए हैं जो अभी इसका निर्माण था। ये 2008 में जला दिया गया था आरक्षण के टाइम पे, लेकिन इसे फिर से यूज किया जा रहा है और इसमें सफेद महल यानी कि संगमरमर का उपयोग करके इसे नया बनाया जा रहा है। तो ये भारत की आजादी के 25 वर्ष होने के बाद भारत में सभी जगह पे वीर चक्र लगाया गया था, तो सफेद महल के टाइम पर भी ये लगाया गया था। तो इसका अभी निर्माण चल रहा है ऊपर से भी, और ऊपर चढ़ने की जगह है या नहीं पता नहीं। और ये ऊपर भी अभी निर्माण चल रहा है और अभी देखो इधर भी निर्माण चल रहा है, तो ऊपर अभी चढ़ नहीं सकते। कुछ दिनों बाद ये कंप्लीट निर्माण हो जाएगा, तो आपको कंप्लीट दोबारा से बताऊंगा कि ये दोबारा निर्माण हुआ है कि नहीं। और ये है यहाँ पे स्विमिंग पूल, यहाँ पे क्या फवारे ववारे लगते हैं और इसमें पानी भर जाता है। और कुछ पता है इसके बारे में? मोटर खराब है, पानी ताजा पर चल गया। अच्छा तो मैं मोटर खराब है। और ये क्या? ये भाई बहुत खतरनाक चीज है। तो ये इधर पानी की मतलब कुछ पानी के लिए बनाए गए थे, तो इसका पेड़ों के लिए केसर बोल रहे पहले, इनमें इतिहास की बात बता रहा हूँ, मजाक ना करो। अच्छा केसर के पेड़ लगे पहले, केसर है भाई। तो चांद भैया बता रहे हैं कि इसमें केसर बोया जाता था, मतलब केसर के पेड़ लगाए गए थे तो उसके लिए बनाया गया था। और ये कुछ फ्रेम के द्वारा बनाया गया, कुछ मतलब इसके अंदर फ्रेम है तो उसमें यूज करके बनाया गया था। और ये है सामने वाला, इसे क्या बोलते हैं? अच्छा स्कूल। और इसमें चलता था पहले स्कूल, निर्माण के लिए कुछ संगमरमर या फिर सीमेंट या बजरी मतलब जो भी है। तो भाई ये क्या चीज है? अरे बना
अच्छा, और इसके अंदर क्या है? ओ भाई साहब कितनी चमकादड़ है यार, तुम देखो कितनी सारी चमकादड़ है यार, भूतों का शहर बना हुआ है ये सफेद महल, और इसमें बहुत सारी चमकादड़ है, कितनी सारी होंगी लगभग? अच्छा और ये देखो ये है सीढ़ी, ऊपर चलोगे फिर? हेलो गाइस आ जाओ, चढ़ सकेंगे क्या ऊपर? वैसे वो है कमजोर है, एक बार मन कर रहे हैं हम। अच्छा रिक्स मत ले यार, सीढ़ियों के द्वारा धीरे धीरे चढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर सीढ़ी है, मतलब कुछ कमजोर सीढ़ियां हैं, और भाई आराम से आना ठीक है। और ये क्या भाई? ओ भैया क्या सीन है यार, देखो क्या सीन है, ये काफी पुराना है तो बहुत समय से मतलब अभी कमजोर पड़ा हुआ है, तो अभी बन रहा है। तो चांद भाई इसके बारे में कुछ तो बताओ यार। ये लाल महल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? लाल महल। अच्छा लाल महल बोलते हैं। हाँ सफेद महल है, लाल महल है, उरो लाल महल, पीछे मंदिर है ये हनुमान जी को पुराना। अच्छा और किले के टाइम को ये भाई साहब? किले के टाइम का ही है, राजा ने बनवाया। अच्छा वैसे बहुत अच्छी लोकेशन है यार देखने में, तो घूमने लायक है कि नहीं है? घूमने लायक एकदम। अच्छा और आप उधर क्या बना हुआ है सफेद महल के अलावा? ये क्या है? नर्सरी? नर्सरी। अच्छा इसमें नर्सरी है? हाँ। बैर के अंदर भी नर्सरी है? अच्छा और उधर क्या है? मतलब लाल किला उधर है? लाल महल है किला। अच्छा अच्छा तो भाई धीरे धीरे उतरना है, बहुत कमजोर सीढ़ी है तुमको पता होते, वैसे तो हमको अलाउ नहीं किया था ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या इसे दिखाने के लिए ऊपर चढ़ गए, राजा के खत्म होते ही ये सीढ़ी खत्म हो जाएंगी है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है यार ये। और इसके अंदर क्या है? अरे नहीं 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 इसके अंदर मत जाओ यार, इसमें केसर लग गया क्या वास्तव में? खजूर का पेड़, मतलब हमारे बैर में स्पेशली ये इससे बड़ा कोई होगा नहीं। इतने सारे पेड़? 9 लाख पेड़ थे। 9 लाख का बोला है? अच्छा 9 लाख का बोलते हैं। तो गाइस आपको बता दूं इसे 9 लाख का बोलते थे, इसमें 9 लाख के करीब पेड़ थे तो इसलिए 9 लाख का बोलते थे। वाह यार कितनी अच्छी लोकेशन है देखो भाई, ये किसका पेड़ है? अशोक। अरे नहीं अशोक का नहीं है भाई, कितना ऊंचा है यार, बहुत ही ज्यादा पुराना है ये। अलग सिस्टम है, तो इसके अंदर ही आता है, देखो बहुत सारी आ रही है तो यार। अरे खा के देखूं मर जाऊं तो खैर, या वीडियो वायरल ले लेंगे रुपया ही लेके आओ वो करते। और यहाँ से किला भी है बैर का जो मैंने अगली वीडियो में बता दिया था, और यहाँ से ये पास में ही पड़ता है। तो ये है बगीचा और यहाँ पे कुछ लोग, ओहो क्या बात है, ये बना रहे इंस्टाग्राम रील्स है आंगनवाड़ी में? आड़ीवाड़ी में। अच्छा किस पे? आंगनवाड़ी आड़ीवाड़ी आड़ीवाड़ी में आड़ीवाड़ी। और भाई साहब बता देंगे भाई, आप क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो भाई? आड़ीवाड़ी। क्या चीज है ये? आड़ीवाड़ी स्कूल है। स्कूल? अच्छा आड़ीवाड़ी स्कूल है। आड़ीवाड़ी 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 आंगनवाड़ी में पढ़ते हो? नहीं आंगनवाड़ी नहीं पढ़ा, बक्सीवास में पढ़ा था। बक्सीवास मोहल्ला? ये कहाँ? बक्सीवास बिचीपट्टी। अच्छा बिचीपट्टी। अच्छा अच्छा पहले पढ़े थे आप? हाँ। कौन सी क्लास तक? आठवीं पास। जो अब क्या करते हो? अब मंडी में लग रहा हूँ। क्या मंडी में? अच्छा मंडी में काम करते हो? हाँ। तो ये सफेद महल पे घूमने आए हो आप? हाँ आए। इसके बारे में कुछ बता सकते हो? सफेद महल बहुत मशहूर है। किस लिए? ये बहुत पहले से। अच्छा किस लिए मशहूर है ये? पहले पंचायत समिति थी इसमें। अच्छा बोर्ड था। अच्छा हाँ और किस लिए फेमस है ये? फेमस सफेद महल के बातें में फेमस है ये। और ये सफेद महल क्यों बोलते हैं इसे? इसको सफेद महल जो लाल महल है ये। अच्छा लाल महल ये है। अच्छा हाँ सफेद महल के बातें मशहूर है। अच्छा हाँ ये इसका बैट कलर क्यों है? सफेद कलर क्यों है इसका? बिल्कुल इसका कलर यही बैट है सब जिंदगी से। अच्छा स्टार्ट से पहले ही सफेद था? अच्छा जो लगापड़ी की उसके हाथ काट दिए थे। अच्छा हाँ जो आगे लगापड़ी नहीं करे कुंडा मारे हनुमान जी की आग कौन ले गया कौन उंड ले गया पता नहीं चला आज तक। नहीं पता, पुलिस आई थी। अच्छा उसका कोई पता नहीं पड़ा।
अच्छा हाँ। मतलब बिल्कुल पता नहीं चला उसकी हाँ। आँख को लेके गया कोई है आँख को लेके गया को ऐसे जमने आती है वो उल्ली साइड की पहले मंदिर की घंटी चले गई। अच्छा यहाँ पे मतलब चोरी हो गई थी पहले चोरी हो गई थी तो उनकी क्या क्या बोल रहे हैं आप क्या नाम लिया उनका हनुमान जी की आँख। अच्छा उनकी आँख चली गई थी आप घूमने आए वहाँ पे हाँ। अच्छा चलो एंजॉय करो लाइक कमेंट कंप्लेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब। आप इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो किस लिए फेमस होने के लिए शौक करते हो आपको इन भैयाओं के फोन से अभी सब्सक्राइब करवाया चैनल तो चांद भाई आपने कर लिया मैं ना करूं तेरे यार कर लो यार गरीबी आदमी थे यार। क्या नाम है आपका मेरे रोहित और आपका नीरज कुमार और भाई आपका सोनू। अच्छा बहुत बढ़िया ऑल द बेस्ट थैंक यू। तो आपको और भी बताते हैं ये है बगीचा जो इन भाइयों से बात की थी और ये भाई है जो हमारे साथ घूमने आए थे और ये इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हरियाली है यार और आप खुद देखो यार कितनी ज्यादा हरियाली है। तो इन पे करवा दिया अभी चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि जबरदस्ती बढ़वा दिए भाई प्यार से करवाएं तीन सब्सक्राइब तो करवा दिए ना करवा दिए तीन सब्सक्राइब तो यार है तो ना कर पैसे दे दे बाद में कर दूंगा। अच्छा मैं पैसे दूं जब करेगा तू भाई मिलेंगे यार धीरे धीरे मिलेंगे ऐसे थोड़े मिल जाएंगे एक साथ। अच्छा ये और ये है लाल क्या बोलते हैं और यहाँ पे भी वो देखो क्या है यार कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और भाई साहब क्या हालचाल अरे बोल जा यार क्या हालचाल है हैं एन कतई एन मतलब मस्त वाह यार तेरे तो स्मेल अच्छी है यार कूल लग रहा है एकदम तो यार आप भी कूल ही लग रहे हो भाई साहब बिल्कुल क्या स्टाइल है यार देखो है क्या बोलते हैं इसे लाल महल। अच्छा ये लाल महल है और ये सफेद महल है अंकल जी से पूछते हैं इसके बारे में। अंकल जी आप सफेद महल के बारे में क्या जानते हो ये प्रताप सिंह के टाइम का बना हुआ राजा प्रताप सिंह ने बनवाया था सर ये। अच्छा इसको 500 वर्ष नहीं सर मत बोलो मैं तो आपका बेटा ही हूँ कोई बात नहीं इसको 500 वर्ष हो गई। अच्छा और मतलब ये किसने बनवाया था ये प्रताप सिंह राजा ने बनवाया था सूरजमल दो भाई थे प्रताप सिंह और राजा सूरजमल। अच्छा ये सफेद महल क्यों पड़ा इसका नाम अब ये तो साहब सफेद रंग है ही इसका तो। अच्छा सफेद महल ये पड़ा था क्योंकि सफेद रंग का है। अच्छा ये लाल महल है जो लाल रंग का हुआ है। अच्छा इसलिए बोला था हाँ। यहाँ पे उधर वो मोहन जी का मंदिर है उधर की साइड में है जो इधर मोहन जी का मंदिर है दक्षिण में दक्षिण दिशा में। अच्छा दक्षिण दिशा में इंग्लिश में साउथ दिशा बोलते हैं इसे और ये दक्षिण दिशा में है। वैसे काफी पुराना है ये 500 वर्ष हो गए 500 वर्ष बैर के अंदर भी किला है उसका भी 500 वर्ष हो गया क्या वो भी किला है जो उसी का है वो प्रताप मतलब ये 500 वर्ष का मतलब तो बहुत पुराना हो जाता है। अच्छा तो यहाँ पे आपको कुछ ध्यान है आपकी पुरानी बात है ध्यान है आपको जो पहले याद थी आपकी पुरानी वो ध्यान है आपको कुछ कौन सी ध्यान बताओ जैसे हम आप मतलब छोटी एज में थे लगभग 16-17 की उम्र में थे तो आपको कुछ ध्यान है उसके बारे में क्यों नहीं है क्योंकि ये फुलवाड़ी पूरे पानी से भर जाती थी नहर आती थी। अच्छा पूरे मतलब ये कि फुलवाड़ी में पानी पानी इकट्ठा हो जाता था सारे तख्ते भर जाते थे। अच्छा और इसमें बख्शीवास स्कूल है प्राइमरी स्कूल है मुंजी के मतलब फर्स्ट में स्कूल यहाँ पे ही था। अच्छा और कुछ पता है आपके बारे में यहाँ पे और तो क्या बताएं। अच्छा इसमें बहुत तगड़ा बगीचा था आम के भी पेड़ थे जामुन के पेड़ थे कटारे भी थे इमली बोलते कितने पेड़ थे यहाँ पे मतलब ये नौलखा बोलते हैं ना इसे नौलखा तो उधर है साहब बेसिकली झूठ बोलूं। अच्छा उधर है नौलखा मतलब 9 लाख पेड़ थे उसमें 9 लाख पेड़ थे दौलाबाद में 2 लाख पेड़ थे इसको लघु काशीपुरी के नाम से जानते हैं वेर को। अच्छा तो काफी जानते होंगे जिसके बारे में आप तो अभी तो साहब तुम जाना कितनी एज होगी आपकी 55 साल तो अंकल के लिए यार एक थोड़ी ताली हो जाता है यार क्योंकि अंकल जी को 55 की एज में इतना याद है। थैंक यू अंकल जी ऑल द बेस्ट। वैसे आप अंकल जी का नाम क्या वो नहीं मोहन सिंह है मेरा नाम। आपका नाम मोहन सिंह है क्या आप मोहन सिंह सैनी सैनी। थैंक यू अंकल जी। तो अंकल जी ने बताया इधर है सफेद महल और उधर है लाल मतलब इधर है सफेद महल और वो नीला महल और इसे लाल महल बोलते हैं। हमारे बैर के अंदर 3 महल हैं सफ़ेद महल लाल महल और नीला महल और 3 महल हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं बैर के अंदर। बैर के अंदर लाल किला भी आता है जो उधर मैंने आपको पुरानी वीडियो डाल रखी है। तो चांद भाई ये क्या ग्राउंड है इसके अंदर है तो इसके अंदर खेलते हैं क्रिकेट
हमने तो क्रिकेट खेलते हुए देखा है इसके अंदर ज्यादातर, तो मैं भी खेल चुका हूँ इसके अंदर और क्रिकेट का मुझे भी बहुत शौक है, लेकिन अब घूमने का बहुत ज्यादा शौक हो गया है मुझे। तो आपको बताते हैं जिसमें 9 लाख पेड़ थे, तो आपको लास्ट चीज और बताते हैं इसके अंदर है 9 लाख का, और ये गवर्नमेंट है जिसे वन विभाग भी बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वन विभाग कार्यालय, इंग्लिश में पता नहीं हिंदी में पता है वन विभाग। और ये है वृक्ष वृद्धि सर्व समृद्धि, यानी कि वृक्ष बचाओ यानी पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, ये है इसका नारा। तो आपको बताता हूँ लास्ट ये इसमें थे 9 लाख पेड़ थे, इसे बोलते थे 9 लाख, अब तो फिलहाल 9 लाख पेड़ नहीं है। और ये है कार्यालय वनपाल नाका बैर, जो इसमें गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी लगते हैं, और ये भी इसमें लिखा हुआ है कुछ, इसमें थे 9 लाख पेड़ है, इसमें 9 लाख पेड़ थे ना पहले 9 लाख है, अब तो नारे है, अब कितने होंगे, अब तो कम ही है 20-25 बैठ जाए बहुत है। अच्छा कितने पेड़ होंगे अब 20-25 बैठेंगे, नहीं 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 ज्यादा होंगे यार, ज्यादा पेड़ है आपको दिख रहे, मतलब 50 से ज्यादा होंगे। और इसमें लिखे पंचवटी के 5 वृक्ष लगाओ, वायु शुद्ध कर, बाया छाया और फल पाओ, हिंदी कमजोर है भाई, बेल पत्र, हाँ बिल्कुल भाई साहब अंग्रेजी में बात करे करो जरूर। तो इसमें थे 9 लाख पेड़ थे पहले, अब इसे 9 लख्खा भी बोलते हैं, और इसे नीले महल के पास में ही है, नीला महल बोलते हैं इसे, इसमें 9 लाख पेड़ थे। अब फिलहाल में इसे सब तरह के पेड़ मिल जाएंगे, करीबन 1000 के समथिंग पेड़ मिल जाएंगे अलग अलग किस्म के, और इसकी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी के साथ रखी जाती है और काफ़ी मेहनत के साथ यहाँ पे पेड़ लगाए जाते हैं। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आई होगी और फुल एंजॉय किया होगा आपने भी और हमने भी। और सभी तो भाइयों से कह रहा हूँ, भाई साहब चैनल सब्सक्राइब कर लियो, लाइक करो, कमेंट करो, दबा करो, शेयर करो, ये तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ब्लॉग को, और ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करो यार, खूब पहुँचाओ यार। तो थैंक यू सो मच, दिल से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा आप भी ट्राई करोगे, लटक लटक आते लटक आते आए थे, टूट जाएगा ना, टूटे ना टूटे। अरे मम्मी मैं वो आ जाऊँ कैमरा धर के, मैं 3 बनूंगा, 1 2 3 गाइस कैसी लगी वीडियो, और देखिए सब नहीं चेल लेकर। तो गाइस वीडियो कैसी लगी बता भाई साहब, लाग इस डाल कैसी लगी, आवाज ना आ रही, आवाज ना आ रही, आवाज। चल स्प्राइट 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 ये